मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 32 चैन बुनी है और मेरा क्रोशिया नंबर 9 है। देखिए अब हम इसकी फर्स्ट रो जो स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी है। आपने एक बल लेना है और देखिए 1 2 3 4 यानी 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। हमारी फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट रो में हम हर चेन में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। तो हमारी फर्स्ट रो बहुत इजी है, इसे बिगिनर्स बहुत इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स क्रोशिया चलाना तो बहुत ही आसान है, बस चैन बुनने के बाद आपने इस तरह से बुनना है। देखिए फ्रेंड्स फिर मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने 3 चैन बुन ली है और 3 चैन बुनने के बाद एक आपने बल लेना है और आपने देखिए फिर से हर चेन में आपने फ्रेंड्स डबल क्रोशिया से बुनना है। तो ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। इस डिजाइन में फ्रेंड्स 2 रो तो बहुत ही सिंपल है और 1 रो में आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के हार्ट बनाना है आपने। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं सेकंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड रो में देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 चैन बुन ली है। 3 चैन बुनने के बाद आपने ये देखिए डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 4 5 और ये 1 चैन लगा के 6, 1 2 3 4 5 6 बुनने के बाद आपने क्या करना है देखिए एक बल लेना है और ये 7वां जो आप बनेंगे 7 इस तरह से बनाएंगे। 7 बुनने के बाद आपने क्या करना है ये देखिए एक बल लेना है और इसी चैन में आपने ये देखिए पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 देखिए मैंने 7 बार पफ स्टिच बनाया, फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। बुनने के बाद एक बल लेंगे, फिर इसी में ही जिसमें हमने पफ स्टिच बनाया था उसी में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। देखिए इस तरह से बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपने, यहाँ आपने पत्ती बनानी है आपने हार्ट शेप की। तो आपने देखिए करना है पहले आपने एक बार देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर आपने एक बल लेना है, ये देखिए आपने इस तरह से 2 बार देखिए ये हो गए। फिर आपने क्या करना है क्योंकि हो गए, अब फ्रेंड्स आपने देखिए करना है 1 और 2 बल लेने हैं और ये देखिए इसी में आपने ये देखिए 1 2 देखिए इस तरह से पहले आपने 2 बल लेने, 1 2 के बाद देखिए इसी में बुनना है हमने इस तरह से 1 2 3। तो फिर एक बार हमने बुन लिया। अब हमने फ्रेंड्स इस तरह से जिसे हमने 1 बुना है इस तरह से हमने 3 बार बुनना है। तो 1 बुन लिया, फिर 2 बल लेंगे, फिर ये देखिए 1 2 3, फिर देखिए 2 बल से हमने 4 बार बुन 3 बार बुनना है फ्रेंड्स। 2 हो गए थे हमारे, ये हमारे 3 हो गए, ये देखिए इस तरह से। अब आपने एक बल लेना है, फिर इसके बाद आपने एक बल लेके इस तरह से आपने 3 बार करना है, 1 हो गया 2 हो गए 3 हो गए, देखिए इस तरह से ये पत्ती बनेगी, ये देखिए इस तरह से। 3 के बाद आपने क्या करना है ये देखिए, अब आपने फिर एक बल लेना है और एक साथ बुनना है, 1 2
देखिए ये हमारे हार्ट शेप की देखिए पत्ती बन गई इस तरह से, नीचे से बिल्कुल कम हो गई है। फिर आपने क्या करना है देखिए, इसके बाद एक और दो, दो चैन बुननी है, और दो चैन बुनने के बाद ये देखिए आपने इधर ये जो आपने इसी में बुना था ये इसके अंदर बुनना है। ये देखिए यहाँ यहाँ आपने इस तरह से बुनना है। फिर आपने एक बार लेना है और आपने तीन बार बुनना है इस तरह से, एक दो तीन। फिर देखिए बल लेंगे, तीन के बाद अब हमने दो बल ले लिए, दो बल लेके हम चार बार बुनेंगे, तीन बार बुनेंगे सॉरी। तो देखिए एक बुन लिया, फिर दो बल लेंगे, देखिए तीन हो गए। जैसे फ्रेंड्स इधर की पत्ती बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से बना रहे हैं हम। तो देखिए मैंने दो बल लेके तीन बार बुन लिया है। अब क्या करेंगे देखिए, इस तरह से एक बल लेंगे, इस तरह से फिर देखिए एक बल लेंगे इस तरह, ये देखिए एक बार इस तरह से, देखिए इधर की पत्ती भी इस तरह बनेगी। ये देखिए बन गई हमारी, और ये नीचे से हमारा जो नीचे से चैन थी हमारी नोक आ जाएगी इसकी इस तरह से। देखिए अब आपने क्या करना है, ये देखिए अब जो पफ स्टिच था इसके बीच में जो था यहाँ से आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है, और ये देखिए आपका बहुत खूबसूरत सा हार्ट बन गया है। फिर आपने एक बल लेना है, और ये देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, एक, अब आपने गैप रखना है बीच में, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बीच में हमने बारह डबल क्रोशिया से बुनना है, यानी ये हमारा गैप हो गया। फिर से हमने यही हट बनाना है यहाँ पर। तो देखिए देखिए बारह चैन बुनने के बाद आपने एक बार और डबल क्रोशिया से बनेंगे, फिर आपने देखिए एक बल लेना है और इसी चेन में आपने फिर से पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार पांच छः सात, और सातों को एक साथ बुन देंगे, फिर एक बल लेंगे, फिर इसी वाले चैन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। अब जो आपने ये बुना है देखिए ये साइड में डबल क्रोशिया से जो बुना है इसमें आपने पहले एक बार सिंगल से एक बार बनाया, फिर बल लेंगे, फिर ये देखिए तीनों को एक साथ बुनेंगे, फिर इसके बाद ये देखिए तीनों को एक साथ बुनने के बाद फिर से आपने, अब आपने दो बल ले लिए हैं, ये देखिए एक दो बल के साथ हमने तीन बार बुनना है, दो तीन, ये दो बल के साथ तीन बार हो गया। फिर बल लेंगे, ये देखिए एक दो तीन इस तरह से, फिर ये देखिए तीन के बाद आपने एक
फिर बन लेंगे। अब इन्हें तीन बार बुनेंगे, तो एक बार हमने बुन लिया, एक साथ बुनेंगे तीनों को, दो तीन, तीन बार बुनने के बाद अब आपने एक दो दो चैन बुननी है। और देखिए इस तरह से इसको शेप दीजिए, इस तरह। अब क्या करना है, दो चैन बनने के बाद आपने फिर इस साइड में जैसे ये पत्ती बनाई है, बिल्कुल इस पत्ती को बनाना है, इसमें बनाना है जो साइड में था, ये इसके अंदर एक दो तीन और फिर एक और दो, दो बल से हमने तीन बार बुनना है, एक दो तीन, तीन के बाद एक बल लेंगे, फिर एक बल लेंगे, इस तरह बुनेंगे। फिर अब हमने जैसे शुरू में एक बार इस तरह बुना था, ये बुन लिया। बुनने के बाद आपने ये बीच में जो पफ स्टिच के बीच में है, यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर आपने एक बल लेना है और बाकी की जो चैने हैं इसमें डबल क्रोशिया से बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स थर्ड रो में ही थोड़ी सी आपने माइंड लगाना है अपना, और सेकंड और फर्स्ट तो बहुत इजी है। इस तरह से देखिए, और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है, ये देखिए यहां से, ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसमें दूसरा कलर यूज करेंगे। दूसरा कलर जो लगाना है, देखिए हमने सीधी तरफ से ही लगाना है। तो देखिए फिर आपने एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे, और देखिए हर चैन पे हमने फ्रेंड्स इस तरह से डबल क्रोशिया से ही बुनना है, इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो थर्ड रो है, ये जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फिफ्थ, ये दो रो हमने इसी डबल क्रोशिया से बुनना है। तो मैं बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, मैंने आपको थर्ड रो तक तो बता दिया था डिजाइन का, और ये देखिए फोर और फिफ्थ मैंने खुद बुन ली है। देखिए सिर्फ सिंपल सा था, डबल क्रोशिया से आपने दो लाइनें और बुननी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अब जो हम सिक्स रो बुनेंगे वो देखिए क्या करेंगे, डिजाइन तो यही डालेंगे फ्रेंड्स, लेकिन बस अब हमने जगह चेंज करनी है। तो देखिए एक दो तीन, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। देखिए अब हमने, देखिए बीच में हमारे छह पहले के थे और छह बीच में, तो छह इधर से ले लिए छह। अब हमने जो डिजाइन डालना है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ डालना है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक आपने लिया, इसमें यहाँ डालिया, फिर आपने देखिए डबल क्रोशिया से बुना, फिर एक बल लिया और इसी चेन में हमने फिर से पफ स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छ, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर एक बल लीजिए, इसी में हमने दोबारा से डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए फिर से आपने यहाँ
पत्ती बनानी है हार्ट शेप की आधी। तो देखिए ये एक, फिर ये देखिए एक बल के साथ दो, फिर ये देखिए तीन, दो बल के साथ तीन बार, एक दो तीन, देखिए इस तरह से। फिर आपने देखिए यहां एक दो तीन, फिर आपने देखिए अब आपने एक साथ बुनना है, एक दो तीन, इस तरह तीन के बाद फिर देखिए यहां एक बुनेंगे इस तरह, एक बार भी बुन दिया। देखिए इस तरह से हमारे इस पत्ती का शेप आ गया इस तरह। फिर आपने दो चैन बुननी, नीचे की नोक बनानी है, एक और दो। फिर दो चैन बनाने के बाद अब आपने इस साइड की भी पत्ती बनानी है, देखिए इस साइड की, इसमें इस तरह से एक दो तीन, फिर एक और दो बल के साथ तीन बार, एक दो बल से हमने एक बुन लिया, दो तीन। अब देखिए तीन के बाद आपने इस तरह से एक एक बल के साथ एक बार बुना, फिर एक बार इस तरह से बुना, फिर अब हमने सिंगल ही बुनना है इस तरह। फिर अब देखिए हमने इसे फिनिश करना है, तो जब हमने ये बनाया था इसके बीच में से इस तरह से फिनिश करेंगे, देखिए। और इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छे से पत्ती तैयार हो गई है, देखिए। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इसके जितने भी बचे हुए हैं इन सब में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। बस फ्रेंड्स एक ही रो में आपने थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है और आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। और आपने इसे बढ़ाना है, एक ही रो रिपीट है समझ लीजिए फ्रेंड्स, और बाकी सारा तो सिंपल ही है। एक रो रिपीट करेंगे, फिर जगह चेंज करेंगे, फिर से हमने इसी तरह बुनना है। अब आपने देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, आपने फिर से देखिए इस पर्पल वाले ऊन से यहाँ बुनना है, फिर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे और इस तरह से अपना डिज़ाइन बना सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा हार्ट शेप का क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.